दोस्तों बारिश का मौसम आ चुका है और इस मौसम की सबसे खराब चीज ये लगती है ना कि इस मौसम में आप चाहे जितनी बार भी कपड़े धो लें उनमें से महक की जगह गंदी दुर्गंध आने लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हवा में नमी होती है जो कि धूप मिलने से ठीक हो जाती है, लेकिन जहाँ पे धूप नहीं आती है तो उनके लिए ये वाली वीडियो काफी हद तक कारगर हो सकती है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो हमारी पहली टिप है सॉक्स को लेकर के, क्योंकि क्योंकि बरसात में बच्चे बड़े सब सॉक्स पहनते हैं, जब बारिश हो जाती है तो फिर गीले हो जाते हैं, गीले होने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है जैसे कि फंगस लग जाते हैं पैरों में या फिर स्मेल आने लगती है। तो उसको दूर करने के लिए बहुत ही आसान सा नुस्खा लेकर के आई हूँ जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे कि कोई सा भी टेलकम पाउडर ले लेंगे, हमने डर्मिकुल लिया है क्योंकि डर्मिकुल में होता है मिंट और आइस, मतलब ये बहुत ज़्यादा ठंडक देता है तो इसलिए हम इसका ही इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके पास जो भी है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देख लीजिए इन दोनों सॉक्स में हमने ये पाउडर डाल दिया अच्छे से, और डालने के बाद क्या करेंगे कि इसको हम अच्छे से मसल देंगे, यानी कि अच्छे से रगड़ देंगे ताकि ये जो पाउडर है वो सॉक्स में हर जगह समान मात्रा में लग जाए ताकि ये अच्छा हमें बेनिफिट दे सके। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि इससे स्मेल बिल्कुल भी नहीं आती। आप एक बार करके देखिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा इससे लाभ मिलेगा। अब जो ये सॉक्स है इसको हमें ऐसे ही नहीं रखना, इसको क्या करना है कि बहुत अच्छे से हमें फोल्ड करके रखना है अंदर की तरफ ताकि इसमें का जो पाउडर है वो बाहर ना निकले। तो देख लीजिए मैं आपको बता रही हूँ कैसे इसे फोल्ड करना है। सबसे पहले इसे हमें एक तरफ से मोड़ना है और मोड़ने के बाद क्या करेंगे दूसरी तरफ से रोल रोल करते हुए इस तरफ ले आकर के और जो पार्ट हमने मोड़ा था ना उसको इसके अंदर डाल देना है। तो बस हमारा जो सॉक्स है वो बिल्कुल तैयार है। इससे क्या होता है कि जो नमी होती है नमी को सोखता है, बैक्टीरिया पनपने से रोकता है और पैरों को ड्राई रखता है। तो आई होप आपको ये वाली टिप अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप के तरफ। तो ये सारी चीज़ें देख करके तो आपको यही लग रहा होगा कि पता नहीं मैं क्या करने वाली हूँ, बट है ये बहुत ज़्यादा उपयोगी सबके लिए है क्योंकि बरसात है तो बरसात में ये वाली टिप बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगी। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको ज़रूर इससे लाभ मिलेगा। तो देख लीजिए हमने एक फाइबर की ग्लास ले ली है, अगर आपके पास ये ना हो तो आप कप भी ले सकते हैं, जो सिरेमिक के कप होते हैं आप उसको ले लीजिए। और उसमें हम डाल देंगे 3 से 4 चम्मच के आसपास चावल, जी हाँ जो हम चावल खाते हैं हम उसी का इस्तेमाल करेंगे। और ये है बेकिंग सोडा, ये है 1 चम्मच के आसपास हमने इसमें डाला है और इसको क्या करेंगे कि हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देख लीजिए हमने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है और अब ले लेंगे हम परफ्यूम, कोई सा भी डियो या तो परफ्यूम जो आपके पास हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देख लीजिए हमारे पास डियो था तो हमने इसको ले लिया है और इसमें चावल में हम अच्छे से स्प्रे करेंगे और मिक्स करते जाएंगे। तो आप थोड़ी ही देर में देखेंगे कि जो चावल है वो स्प्रे की वजह से बहुत अच्छे से भीग गया है, देख लीजिए। तो अब हम क्या करेंगे कि इस पे रखेंगे एक टिश्यू पेपर, टिश्यू पेपर को अच्छे से हम मोड़ लेंगे ताकि ये एक्स्ट्रा बाहर ना निकले। तो देख लीजिए हमने इसको मोड़ लिया है और मोड़ने के बाद क्या करेंगे कि इसमें लगा देंगे एक रबड़ बैंड। अच्छा हमारे पास अभी ये वाला अवेलेबल था तो हमने ये वाला लगाया है, अगर आपके पास पतला वाला हो ना तो आप उसको भी लगा सकते हैं। तो देख लीजिए हमने इसको अच्छे से लगा दिया है और अब क्या करेंगे कि ले लेंगे एक टूथपिक और इसके मदद से इसमें हम छेद कर देंगे, देख लीजिए जैसे मैं कर रही हूँ। इसमें होल करने के साथ ही देखेंगे क्या बहुत ही अच्छी खुशबू उड़ने लगेगी, पूरा घर महक जाएगा आपका। तो अब क्या करेंगे कि ले जाएंगे अपनी अलमीरा में और जहाँ पे भी आप कंफर्टेबल फील करते हो, जहाँ से इसकी खुशबू हर जगह फैले वहाँ पे आप इसे रख दीजिएगा और देखिएगा आपका जो अलमारी है बिल्कुल अच्छे से खुशबूदार, जितनी बार खोलेंगे उतनी बार खुशबू आएगी। तो ये वाली प्रॉब्लम आई होप सॉल्व हो गई होगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप के तरफ। तो नेक्स्ट टिप हमारी है कि जैसे हम कपड़े धो लेते हैं, धोने के बाद क्या होता है कि क्योंकि
नमी होती है हवा में, तो इसके वजह से कपड़ों में स्मेल की शिकायत हो जाती है। इसके लिए क्या करेंगे कि जब लास्ट में खंगालना हो कपड़े, तो उस पानी में हम डाल देंगे एप्पल साइडर विनेगर। अगर आपके पास ना हो तो आप सिंपल वाला भी डाल सकते हैं। और डालने के बाद क्या करेंगे कि अच्छे से डिप कर देंगे। डिप करने के बाद इसको निचोड़ करके हम सुखा लेंगे, तो आप देखेंगे कि कपड़ों से जो स्मेल की प्रॉब्लम है बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। अगर वीडियो जरा सी भी हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिल सके।